बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मार्च हमारी भैंस का नेशनल बफलो डे है और मैं उस मौके पर पैगाम देना चाहूँगा कि आज मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी की। जो पीढ़ी है हमारी हफ्ते में 5 दिन लगती है और एवरेज अगर साल के 365 दिन देखा जाए तो रोज़ाना 2000 से ज़ायद भैंसें यहाँ पर स्लॉटर होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस कीमती ब्रीड को बचाएँ, इसे रिसाइकल करें, ना कि गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम डेयरी ब्रीड को स्लॉटर करें। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये लाइन से भैंसें यहाँ खड़ी हैं। मैं बारहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को और दीगर को एड्रेस करता रहा हूँ, हम लिखते भी रहे हैं कि हमें अपनी मादा जानवर की कीमती काले सोने की जान बचानी होगी, इसे रिसाइकिल करने के लिए चारों सूबों के मजाफात में डेयरी फार्मर्स को जगहें फराहम करनी होगी ताकि हम इनकी जानें बचा सकें, इन्हें रिसाइकिल कर सकें और बतन अजीज़ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। तो ज़रूरी यह है कि हम अपनी भैंस को जेनेटिकली इम्प्रूव करें। जैसा कि दुनिया, जो भी मालिक हमसे नीली रावी या कुंडी लेके गए हैं या इंडिया की मुर्रा लेके गए हैं, वो इस वक्त 28-30 लीटर दूध दे रही है। हमारी ब्रीड 8 लीटर एवरेज हमारी प्रोडक्शन है। तो बहुत ज़रूरी यह है कि हम अवामुन्नास को सस्ता गोश्त, सस्ता दूध फराहम करें। उसके लिए इदारों को हमारी मदद करनी होगी। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है चारों महकमा लाइव स्टॉक, जो कि चारों सूबों के मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हमारे वज़ीर और मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की इस पर तवज्जो हमें भरपूर दरकार है।